ये बात मुझे एक बहुत बड़े संत ने भी कही थी जब पहली बार मैं उनको मिला था। उनका नाम आदरणीय श्री परम पूजनीय श्री राम सुखदास जी महाराज। मेरा उनका पहला मुलाकात ऋषिकेश में हुआ, वो जो आश्रम है ना जहां पर वो अक्सर प्रवचन व्याख्यान दे रहे। मैं उनको मिलने गया, गलती से मैंने उनके पैर छू लिए तो उन्होंने मेरे पैर छू लिए। उस दिन मुझे पता चला कि ये अद्भुत संत है जो श्रावक के पैर छू सकते हैं। तब उनके एक शिष्य ने कहा कि महाराज जी पैर नहीं छुनवाते, आपने छू लिए तो वो प्रायश्चित करेंगे, इसलिए उन्होंने आपको छुए। तो उस दिन से मैंने उनके पैर नहीं छुए। उस मुलाकात में मैंने उनसे कुछ बात की और उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछे। तो उन्होंने पूछा, तुम ये सब क्यों करते हो, ये आजादी बचाओ आंदोलन, ये गोहत्या विरोधी अभियान, ये सब क्यों करते हो, क्या क्या क्यों करते हो, कारण बताओ। तो मैंने कहा कि महाराज जी ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, ये तो बेकार है, और कोई कारण बताओ, और कोई कारण बताओ। अंत में मैंने कहा महाराज जी मोक्ष जाना है, इसके लिए करते हैं। तो उनका तुमको लगता है तुम्हें मोक्ष होगा, मैंने कहा हाँ लगता तो है। तो उनका ऐसे नहीं होता। फिर मैंने कहा कैसे होता है, तो उन्होंने कहा कि ये जो तुम करते हो इससे ये बताओ कि सेवा होती है क्या। अगर सेवा होती है और सेवा भी ऐसी जिसमें तुम्हारी कोई अपेक्षा ना हो, तुम्हें बिल्कुल ही अपेक्षा ना हो कि मैं सेवा करूंगा तो बदले में मेरा अखबार में नाम छपेगा या टीवी पर इंटरव्यू आएगा या मुझे दान मिल जाएगा या ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसी अपेक्षा रख के करते हो तो समझ लो कि मोक्ष तो नहीं, पाताल में भी जगह नहीं तुम्हारे। हाँ ये जरूर है कि बिना किसी भावना के अपेक्षा के तुम अगर सेवा करो और उस सेवा से किसी के दुख दूर हो जाए, दैहिक दैविक और भौतिक, तो कल्पना कर सकते हो कि तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तो अगर मोक्ष चाहिए तो सेवा करो बिना स्वार्थ के, दैहिक दैविक और भौतिक दुखों को दूर करने की। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब यही प्रयास करें एक दूसरे के दैहिक दैविक और भौतिक दुखों को दूर करने का, तो जरूर हमें मोक्ष मिलेगा। लेकिन मोक्ष के पहले राम राज्य तो स्थापित हो ही जाएगा, क्योंकि अगर राम राज्य नहीं होगा तो मोक्ष भी नहीं मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब इस राम राज्य को लाने में लग जाएं, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये नहीं हो सकता है। अगर ये नहीं हो सकता तो राम जी कहते क्यों इसको, क्योंकि उन्होंने कहा तो वही है जो होता है, जो नहीं होता वो उन्होंने कहा ही नहीं है, चर्चा भी नहीं की है किसी से। तो वो कहा है तो जरूर होता होगा और बार बार हुआ होगा इस देश में, क्योंकि राम एक बार कह रहे हैं लक्ष्मण से कि देखो मैं कुछ नई बात नहीं कह रहा हूं और नया नहीं कर रहा हूं, परंपरा से भारत में हजारों साल जो होता आया है सब पुरुषों के हाथों, मैं भी वही करने की कोशिश करूं। माने हजारों साल से करोड़ों साल से ये होता आया है, तो राम जी वही कोशिश कर रहे हैं तो हम राम जी के भक्त भी वही कोशिश कर सकते हैं। ये जरूर है कि हम राम नहीं हो सकते, लेकिन 0.00001% तो हो सकते, कहीं उनके चरण की धूल के बराबर तो हो सकते। अगर इतने भी हम हों तो उस गिलहरी जैसी कहानी तो बना ही सकते हैं जो समुद्र पे अपनी पूंछ में धूल लपेट के ले जा रही है और पुल बनाने के लिए डाल रही है। तो लक्ष्मण कह रहा है ऐसे कोई पुल बनता है क्या, तो गिलहरी कहती है कि मुझे मालूम है कि मेरे इस छोटे 2-3 टुकड़े से पुल तो नहीं बनेगा, लेकिन मेरे ये धूल भरे दाने डालने से समुद्र को पता तो चलेगा कि एक गिलहरी भी थी जिसने मेरे पानी पर पुल बना दिया था, या पुल बनाने में मदद कर दिया था। तो हम सब कमजोर लोग हैं, मान लें बहुत ज्यादा तपस्वी नहीं है, तेजस्वी नहीं है, राम जी के सामने तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके चरणों की धूल के बराबर या वो गिलहरी की पूंछ में फंसे हुए बालू के कण के बराबर इतने अगर हम हैं तो उतना तो प्रयास करें। अपने जीवन की निष्क्रियता तो छोड़ें। राम ने जिंदगी की निष्क्रियता तोड़ने के लिए 14 साल का वनवास ले लिया, तो हम अपने घर से घंटे भर का वनवास लेके तो निकलें समाज में कुछ सेवा कार्य करने के लिए जिसमें हमारा अपना कोई स्वार्थ ना हो। कोई घंटे भर के लिए निकले, कोई 2 घंटे के लिए, कोई 5 घंटे के लिए, जिसकी जितनी शक्ति और क्षमता है उस हिसाब से वो निकले, तो मुझे विश्वास है कि इस देश में राम राज्य जरूर आएगा। और मैं राम की कथा को राम राज्य लाने का निमित्त मानता हूं। राम की कथा सिर्फ कहने और सुनने के लिए है तो मैं मानता हूं कि वो श्री राम का ही अपमान है। उन्होंने पुरुषार्थ और तेजस्विता का जो आदर्श प्रस्तुत किया है
अगर वो आदर्श स्थापित करने की तरफ हम नहीं बढ़ते तो इस राम कथा को कहने और सुनने से कोई फायदा नहीं। अगर राम कथा को कहने और सुनने से हमारा जीवन और इस देश और समाज का जीवन बदलता है तो ये हमारे लिए आदर्श और अभीष्ट बनता है। ऐसी ही भावना के साथ आपको निवेदन करता हूं कि आप राम कथा से मर्म निकालें और उसको अपने जीवन में स्थापित करते हुए इस समाज में कैसे लाएं और इसके लिए सक्रियता कैसे बढ़ाएं, ऐसे ऐसे अपने रास्ते खोलें। श्री राम जरूर हमको मदद करेंगे, आशीर्वाद देंगे, जरूर हमारे लिए रास्ते खोलेंगे। ऐसी अपेक्षा और भावना के साथ आप सभी का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।